नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? जी हां, पाकिस्तान ने की एक बार फिर नापाक हरकत। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर और मनकोट में पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें कुल 7 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने 120 एमएम कोर मोर्टार और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें पाकिस्तान ने रिहायशी और सेना की चौकियों को निशाना बनाया। जख्मियों को मंडेर के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें से 2 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें जम्मू के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। वही अभी भी वहां पर गोलाबारी जारी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान अनगिनत बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। यहाँ तक कि पिछले दिनों तो पाकिस्तान ने क्रूरता की हदें पार करते हुए भारतीय सैनिकों को शहीद कर उनके शवों के साथ बर्बरता की थी, जिसे सभी भारतवासियों के खून में गुस्से से उबाला गया था। लेकिन इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार अभी भी आवाज उठाएगी या नहीं। गोलाबारी इतना पड़ा है, मेरे घर के पास पड़ा है, उधर इतना पड़ा है, मेरे भाई को चोट लग गया, उधर से उठा के उसको लेके आए हैं। हम तो अंदर छुप गए हैं, उधर से लेके गाड़ी किया, गाड़ी में लेके हॉस्पिटल में पहुँचा गया है। ठीक है, अभी तो उनको होश नहीं है कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं है। ठीक है, अभी ग्लूकोज वगैरह उनको लगी है और 2 बंदे जिनको ज़्यादा चोट लगी है वो तो रेफर कर दी गई है। अभी शुरू हुई गोलाबारी, अभी 8 बजे शुरू, घर पे थे तो 8 बजे के करीब फायरिंग की। इस कदर की हमको तो मालूम ही चला गया कहाँ से फायरिंग हो रही, कहाँ से नहीं हो रही। ठीक है, इतने फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से इतना फायरिंग हुआ है, हद से ज्यादा। हम गाड़ी किया टाट समय कुदर था, बोला उसको उसमें डाल के लेके आ गई। इधर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को कर चुका है। सवाल ये है कि क्या अभी भी हमारे देश की सरकार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या फिर उनकी इस हरकत का अच्छे से जवाब देगी। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। नमस्कार।